ये उधार सुनना। यहाँ की माता बहने तो देवी है लेकिन यहाँ की बड़ी बढ़िया है, ध्यान देना। शादी हो करके जब आती है अपने अपने दिमाग में मनन करना, शादी हो करके आती है तो पत्नी बड़ी मीठी भाषा बोले, कहे खाना खाए ले, हमें भूख लगी है, तुम खाए ले तो हम खाए ले, मुझे तो भूख लगी है। ध्यान देना, पत्नी वही है जो तुम्हारे बगैर भोजन नहीं करती है। और जब बुढ़ापा आता है तब कहते बहु रोटी ले आ डुकरा दे यार, जब काम मरिया हो जाए है ना, तो भूख लगी हो मरिया, भूख लगे तो खुद ही गए। दूसरा उदाहरण, एक किसान भैया की पत्नी हो और एक सर्विसमैन की पत्नी हो। एक किसान भैया की पत्नी हो, एक सर्विसमैन यानी एक उस भैया की पत्नी हो जो हर महीने 1 लाख उठाता हो, अंतर कितना होता है? किसान भैया जब सर्विस वाला भैया घर पे आता है तो पत्नी कहे तुम बताओ सोई हम भत्ते तुम का खायो, और तुम हनाए ले हम पानी भत्ते कहाँ चले गए थे, बोला हमें कब तुम्हें कपड़ा धोए के प्रेस करते हैं, यानी सेवा में हाजिर रहेगी क्योंकि बाकी जेब में नोट के फुला फुल है। अब एक किसान भैया हल चला के आया, 12 बजे हर चलाओ बैसाख के महीना में, और जब हर चलाए गए दरवाजे पे आया तो कई अंदर आवाज दई के पानी ले आओ प्यास लगी है, अंदर ते आवाज आई है द्वारे न लगो ता पे ढोक ले हम घर में परे नहीं है। कथा प्रेमी भैया ध्यान देना, बड़े गहराई से शब्द कैच करना। ना कोई पिता ना ही कोई मैया, ना कोई बहन ना ही कोई भैया, ये दे के नाते है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ध्यान देना, ध्यान देना कथा प्रेमी भैया, ध्यान देना, दे दे के नाते हैं, कोई किसी का नहीं है। किसी भी पत्नी को अगर ये गर्व हो, किसी भी पत्नी को ये गर्व हो कि मेरा पति बहुत चाहता है, तो अंदाज दूसरे से लगाना कि जो अपनी पत्नी को बहुत चाहता हो उसकी पत्नी मर जाए तो जो पति तुम्हें प्यार करता है वही कहेगा कि भैया जल्दी तैयारी करो और तो सब परेशान है, कैसा प्यार है। और पत्नी के क्रिया कर्म भी सही नहीं होने पाते हैं और समाज में बैठ के पांच तैनात लगते के हाँ फलाने भैया आए थे सुजकाते के फलानी जगह शादी करवाए दी है, बाकी तेरे ही नहीं हो पाई शादी की तैयारी होने लगी है। बहनों ध्यान देना, न पति है न पत्नी है, न बेटा है न बेटी है, न भाई है न बहन है, न माता है न पिता है। ध्यान देना, बड़ी गहराई से समझना, ये रंगमंच है। जैसे रामलीला में रंगमंच बनता है, शब्द कैच करना, जैसे रामलीला में रंगमंच बनता है, कोई राम बनता कोई सीता बनता कोई लक्ष्मण बनता है और अपना अपना रोल अदा करते हैं, और रोल अदा करके जैसे ही मंच से उतरे उन्हें अपने कपड़ा उतारे के धरे, ना कोई सीता ना कोई राम ना कोई लक्ष्मण। इसी तरीके से संसार रंग मंच है, कोई पत्नी बन के आया कोई पति बन के आया, कोई बेटी बन के आया कोई बेटा बन के आया, कोई माता बन के आया कोई पिता बन के आया, और जैसे ही अपना अपना रोल अदा हुआ, जैसे ही जैसे शरीर से पंछी उड़ा तो ना कोई पिता ना कोई माता है। आज का राम करणी भैया विंध्यामती ने अपने पति से कहा, कई चिंतन पर है अत्कार तुम्हें, चाहो सो दशा बनाए डारो, पीठ न पैरो का बड़ी बात टुकड़े टुकड़े कर दो। एक बात और याद आ गई माताओं बहनों, चंद्र दिनों की जवानी के लिए पता नहीं अपने पति से कैसे कैसे शब्द बोलती है, कभी नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों ने पानी का बबूला देखा, कई पानी तेजी से गिरता हो वहाँ बबूला बनता है और कुछ देर के बाद अपने आप बबूला मिट जाता है। किसी विद्वान ने लिखा, बड़े ध्यान से सुनना क्या लिखा, ये जीवन तेरा पाना बुलबुला पानी का, और दो दिन भी खल जाए तो नशा जपानी का,
ए